सफलता ना तो जादुई होती है और ना ही रहस्यमयी होती है। सफलता बुनियादी सिद्धांतों का लगातार पालन का स्वाभाविक परिणाम है। आप अपने काम को करने से पहले पूरी दृढ़ता से तैयार करो। या तो आप समय का सदुपयोग करें, अन्यथा समय आपको नहीं बख्शेगा। आप रातों रात अपना भाग्य नहीं बदल सकते, लेकिन रातों रात अपनी नीति बदल सकते हैं। आपको व्यक्तिगत जिम्मेदारी लेनी चाहिए। आप परिस्थितियों, मौसम या हवा को नहीं बदल सकते हैं, लेकिन आप अपने आप को बदल सकते हैं। यही कुछ आपकी जिम्मेदारी है। सफलता कुछ सरल अनुशासनों के रोजाना पालन से ज्यादा कुछ नहीं है। परिपक्वता विपरीत हालात होने पर भी बिना क्षमा याचना और शिकायत किए आगे बढ़ने की योग्यता है। दूसरों को छोटा जीवन जीने दो, लेकिन आप मत जियो। दूसरों को छोटी बातों पर बहस करने दो, लेकिन आप मत करो। दूसरों को छोटी तकलीफों पर रोने दो, लेकिन आप मत रो। दूसरों को किसी और के हाथों में अपने भविष्य को छोड़ने दो, पर आप मत छोड़ो। हमें जिस रास्ते जाना है वो पलों का सेट निर्धारित करता है, ना कि हवा की दिशा। जो कोई भी लोगों को सेवा देता है वह खुद को महानता, महान धन, महाप्रतिफलता, महासंतुष्टि, महाप्रतिष्ठा और महाआनंद की श्रेणी में खड़ा पाता है। अनुशासन लक्ष्यों और सिद्धि के बीच की एक सेतु है। औपचारिक शिक्षा आपकी जीविका मुहैया कराएगी, स्वशिक्षा आपका भाग्य बनाएगी। यह मायने नहीं रखता कि आपने समस्या से कब और कैसे निजात पाई। निजात पाना ही सबसे ज्यादा मायने रखता है। आप निर्णय लिए बिना प्रगति नहीं कर सकते। यदि आप असामान्य जोखिम के लिए तैयार नहीं हैं, तो आपको साधारण जीवन के लिए समझौता करना पड़ेगा। यदि आप लक्ष्यों पर काम करते हैं, तो आपके लक्ष्य आप पर काम करेंगे। यदि आप अपनी योजना पर काम करते हैं, तो आपकी योजना आप पर काम करेगी। हमारा निर्माण हमारे अच्छे कार्यों से होता है। अपने शरीर का ख्याल रखो, तुम्हारे रहने की यही एकमात्र जगह है। यदि आप अपने जीवन की योजना डिजाइन नहीं करते, तो संभावना है कि आप किसी और की योजना में फंस जाओगे। और अंदाजा लगाओ कि वो आपके लिए क्या योजना बनाएंगे। आप अपने संचार कौशल का अभ्यास करने के लिए हर अवसर का लाभ उठाएं, ताकि जब महत्वपूर्ण मौके आए, तब दूसरों को प्रभावित करने के लिए आपके पास संचार की प्रतिभा, अदा, शार्पनेस, स्पष्टता और जज्बा तैयार होंगे। चीजें अगर आपके पक्ष की नहीं हो रही हैं, तो बदल डालो। हमने अपने आसपास दुख को बाहर रखने के लिए दीवारों का निर्माण किया, वो आनंद को भी बाहर रोक देती है। खुशी वो चीज नहीं है जिसे आप भविष्य के लिए स्थगित करें, यह वो चीज है जो आप वर्तमान के लिए डिजाइन करें। लर्निंग धन की शुरुआत है, लर्निंग स्वास्थ्य की शुरुआत है, लर्निंग आध्यात्मिकता की शुरुआत है। सर्चिंग व लर्निंग जहाँ है, वहीं चमत्कार की सारी प्रक्रिया शुरू होती है। हम सबको इन दो चीजों में से एक चीज का कष्ट भुगतना ही पड़ेगा। पहला अनुशासन की वेदना, दूसरा पश्चाताप या निराशा की वेदना। जिंदगी में कुछ बड़ा करने के लिए छोटे छोटे बदलाव करना शुरू कर दो। सेल्फ मोटिवेशन आपको हमेशा सही मार्ग दिखाने की कोशिश करता है। टूटना नहीं है, कुछ करके दिखाना है।